पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा की वादी स्वात को अपने कुदरती मनाजर की वजह से तो सब ही जानते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस वादी में एक ऐसी मुसलमान शख्सियत भी मौजूद है जिन्हें स्वात का बुद्धा कहा जाता है। मशरक के स्विट्जरलैंड से मशहूर वादी स्वात दुनिया भर के सयाहों को अपनी जानब राग़िब करने की अहलियत रखती है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब ये वादी दहशतगर्दी और खून खराबे की वजह से जानी जाती थी। मैं बेड में बैठा हुआ था, रात, रोशनी तो नहीं थी, बिजली उड़ाई गई थी, पानी तक नहीं था पीने के लिए, तो मैं ये करता था कि वो किसी ने मुझे लाइटर दे दिया, तो लाइटर की रोशनी में मैं सुर्खियां लगाता था कि आज प्लान को जबर किया, प्लान को कत्ल किया, प्लान के गांव में ये हुआ, लेकिन ये सब कुछ मेरे गांव तक मौजूद था। तब खौफ और दहशत के उस माहौल में स्वात के परवेश शाहीन बुद्ध मत मजहब के मुकद्दस मकामात के तहफ्फुज के लिए सीसा पिलाई दीवार बन गए। स्वात में जा बजा बिखरे आसारे कदीमा की हिफाजत का अज्म ही वो वजह है जिसने परवेश शाहीन को स्वात का बुद्धा कहलाने का एहसास बख्शा है। मैं थोड़ा बहुत लेक्चर देता हूँ इस पर या लिखता हूँ या जो कुछ है, तो उससे नाम मशहूर हो गया। नाम मशहूर हो गया तो उन्होंने स्वात बुद्धा नाम रख दिया। यानी पाकिस्तान में या पख्तूनी में बहुत से काम होंगे, लेकिन पख्तूनों की शोहरत बाहर की दुनिया में सिर्फ गंदारा की वजह से है। अंग्रेजी अखबार डॉन के सहाफी और स्वात के आसारे कदीमा पर गहरी नजर रखने वाले मुसन्निफ फजल खालिक भी परवेश शाहीन के मुतरिफ हैं। स्वात जो अपने अंदर 5000 साल की तारीख समोए हुए हैं, न सिर्फ गंदारा तहजीब बल्कि इससे पुरानी जो तहजीब है, मसलन दार्दिक तहजीब, गंदारा से पहले यहाँ पे जो हिंदो यूनानी या यूनानी तहजीब, रोमन तुर्कशाही, बहुत सारी तहजीबें यहाँ पे रही हैं। इसकी खुशकिस्मती ये है कि यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें पाई जाती, यहाँ पे डाइवर्सिटी है, यहाँ पे रॉक पेंटिंग भी है, रॉक कार्विंग्स भी हैं, स्टूपे भी हैं, मोनेस्ट्री भी हैं और कैस्टल्स और ये चीज़ें भी हैं। तो एट अ टाइम आपको जो कल्चरल हेरिटेज या आर्कियोलॉजी की जो जितनी चीज़ें वो सब मिलती हैं। बदकिस्मती ये है कि इस रिच आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री के ऊपर यहाँ के लोकल लोगों में से बहुत कम लोगों ने काम किया। जितना काम किया है वो या तो यूरोपियन ने किया है या उधर कनाडा और अमेरिकन्स ने किया है या ज़्यादातर इटालियंस ने किया है, बल्कि इटालियंस ने तो 1950 से लेकर अभी तक काम कर रहे हैं। लोकल लोगों में से एक नाम जो है वो परवेश शाहीन साहब का है। वो उन्होंने उसको ये खासियत हासिल है या उसमें ये बहुत ही बड़ी अच्छी चीज़ है कि उन्होंने न सिर्फ अपने कलम की ताकत से स्वात की जो कल्चर हेरिटेज है या आर्कियोलॉजी है या दूसरी हिस्ट्री है उस पर काम किया है, बल्कि एज अ एक्टिविस्ट उसने उसके ऊपर काम किया है। तो इस तरह के लोग बहुत कम मिलते हैं किसी भी तारीख या तहजीब को प्रिजर्व करने के लिए। तो मैं ये कहता हूँ कि परवेश शाहीन से आपकी ये खासियत जो है ना, ये सबसे ज्यादा है और इसको हमेशा याद रखा जाएगा। स्वात के आसारे कदीमा का ये मुहाफिज किताबों से भी इश्क करता है, जिसका सबूत 6 कमरों पर मुश्तमिल हजारों किताबों की वो जाती लाइब्रेरी है जो इनकी रिहाइश गाह में मौजूद है। लेकिन किताबों का इतना बड़ा जखीरा मुमकिन कैसे हुआ? तो किताबों का शौक साथी जमात से पैदा हुआ, पैसे तो नहीं थे, तो कहीं इधर उधर से अगर कोई एक न मिल गया, दुआ नहीं मिल गया, कोई मांगे तांगे की, तो उसी पर किताब खरीदा करता। तो हमारे नज़दीक यूनिवर्सिटी के करीब बिल्कुल पास ही अनारकली, वहाँ फुटपाथ पे बहुत सी किताबें, फिर वाकिफियत हो गई, किसी ने अपनी किताब फ्री दे दी, किसी ने दुआ नहीं मिल रही, किसी ने चारा नहीं मिल रही। तो जब भी मेला और से आता था ना, तो एक बोरी दो बोरी किताबें ज़रूर होती थी।
अब जब ये किताबें जमा हो गई तो मुझे ये फिक्र लाक हो गई, कह रही किताबें कहाँ रखूं। तो इसी में ये था कि हालात कुछ तब्दील हो गए लोगों के, कि अपने लिए अलग अलग बैठक बनाना, कमरा बनाना, ये लोग आगे बढ़ गए। तो मैंने भी अपने घर में ये किया कि घर बना दिया नया, और उसी में एक पूरा कमरा लाइब्रेरी के लिए बना, और उसी कमरे में हमने किताबों के लिए 14 अलमारियां लगाई, और हर एक पे अलग अलग लिखा कि इसमें हिस्ट्री है, इसमें नावल है, इसमें ड्रामा है, इसमें ये है, इसमें कि कोई अगर देखना चाहे तो तकलीफ ना हो, बस नावल तो नावल जिस भी जुबान में है तो नावल इधर होगा। 2000 के बाद जितनी किताबें आई है वो न रजिस्टर में है न अलमारी में, इधर उधर कालीन पे और सोफों में और इसी में बिखरी हुई पे। अब खुदा बेहतर जानता है कि वो कितनी है। मैं तालिबान के लिए जला वतन नहीं, सामान तो हमने जमीन के अंदर दफन कर दिया। आ गए मैं अंदर सैन में, चीरी का दरख्त है उसके नीचे एक रिसाले में दलीप कुमार का इंटरव्यू था, वो पढ़ रहा था। दूसरी छत के ऊपर से नाजिल हो गए। अब जब मैंने बुतों के तोड़ने की आवाज सुनी और किताबें पढ़ने की तो मैं सीढ़ियों पे गया, तो सातवीं सीढ़ी में हमारी मुलाकात हो गई। मैंने दामन पे ला लिया कि खुदा के लिए मुझे मारो और मैं अपना खून मुआब भी करता हूँ। ये कौमी एहसास है जाना का, तो पीछे लग गए। मैंने कहा जो मैंने तो आपसे कहा ना मारो। फिर उनमें से एक ने कहा, यानी अजीब सा कमाल है, एक को काश तुम मेरे उस्ताद ना होते। अच्छा दूसरे का कि वो बड़े बड़े बुत का है। मैंने कहा जो तो आपके साथ ही आई थी वो नहीं। नड़ीवाल अदबी तड़ुन के नाम से आलमी अदबी तंजीम के सरबराह और पश्तो जुबान के शायरो अदीब रियाज अहमद हैरान परवेश शाहीन के हवाले से कहते हैं, बुद्धा इसलिए कहा जाता है कि स्वाद के जो कदीम आसार है पिछले 60-70 साल से, तकरीबन बचपन से इस पर काम करते आ रहे हैं, इनके लिए दिल में दर्द रखते हैं, इन पर रिसर्च करते हैं। इसके अलावा जितनी यूनिवर्सिटीज़ है उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं शाहीन साहब के पास और इनसे खिदमात लेते हैं, वो मुख्तलिफ थीसिस करते हैं, पीएचडी वगैरह करते हैं। तो उनके लिए मोहम्मद परवेज शाहीन बुद्धा साहब से खिदमात लेते हैं। उनके करीब जो जो आसार कदीमा है, जिस शोरश ज़दा वक्त में उन्होंने उसके बचाने के लिए जो लोग सवाद पे मुसल्लत हुए थे उनसे बचाने में उनका एक बहुत अहम किरदार रहा है। गंधहारा तहजीब और बुद्ध मत के आसार से मोहब्बत सिर्फ परवेश शाहीन की किताबों तक ही महदूद नहीं, बल्कि इनकी रिहाइश गाह के म्यूजियम में जमा की गई नवादिरात की सूरत में भी देखी जा सकती है। लाखों के हिसाब से लोग हर साल आते हैं, इसको हम मजहबी सियाहत कहते हैं। अच्छा, जब वो लोग आते हैं तो यहाँ पैसे छोड़ के चले जाते हैं। आपने उनको टैक्सी दे दिया, मैंने होटल दे दिया, खाना खिलाया, ये क्या वो क्या वो क्या। अच्छा, एक हमारी इतनी पब्लिसिटी हो जाती है कि पैसा उनका जाता है, पब्लिसिटी हमारी हो जाती है। फिर ये कि ये नवादिरात और ये इससे हमारे इलाके के फन और फनून का पता चलता है। इतना बारीक फन आप मुझे दुनिया के दूसरे मुल्क में बता दें, और इतना लंबा चौड़ा कि 1600 साल तक एक फन चलता रहे और लोग इसको अपनाते रहे। अच्छा, फिर ये है कि कल्चर में एक तसलसल होता है, कल्चर कभी भी पूरी का पूरा गायब नहीं होता। गंधारा के दिनों में
लोग गौतम बुद्ध के बुद्ध बनाते थे, जो इस्लाम के नुक्ता नजर से हमें ठीक नहीं लग रहे। लेकिन ये बाकी काम उन्होंने जो कुछ बनाया है, मसलन स्टोपा बना है, बनस्टी बने, यादगार बनिए, खाने पीने के बर्तन वगैरह बनिए, तो ये तो मना नहीं है। तो इससे एक बहुत बड़ी तहजीब और कल्चर का पता चल रहा है कि उन दिनों में कपड़े कैसे थे, खाना पीना कैसा था, बर्तन कैसे थे, रिश्तेदारियाँ कैसी थी, वो लोग क्या खाते थे, क्या कमाते थे, क्या खर्च करते थे, आपस में ताल्लुकात क्या थे, इनके स्कूल मदरसे कॉलेज वगैरह ये क्या थे, और ये कितने पुरअमन लोग थे 1600 साल तक। तो एक पूरी तहजीब और एक पूरा कल्चर, इसी में हमारा सब कुछ है। सन 2007 में जब तालिबान के हाथों खित्ते का दूसरा बड़ा पत्थर में कंधाशुदा गौतम बुद्ध के मुजस्मे का चेहरा मस्ख हुआ, तो उस वाक्य ने परवेज शाहीन को बिखेर कर रख दिया। धमाका हुआ इतना शिद्दत के साथ हुआ, जोरदार धमाका था कि मैं बिड में उछल पड़ा। तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि शकोड़े बुद्ध उड़ा दिया। तो उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता चला? मैंने कहा वो शाम के असर के वक्त इसी रास्ते से गए, दो प्लेन कोट के यहाँ छोड़ दिए और 12-13 लोग के, उसमें जनरेटर भी था, ये भी था, वो भी था, वो भी था, और चले गए। मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि वो तो पहाड़ों में बुत नहीं छोड़ती, उड़ा देती है, और अपने तो घर को बुतन से भर लिया है। 80 साल परवेज शाहीन ने स्वात के आसारे कदीमा के लिए वो खिदमात अंजाम दी हैं जो कोई हुकूमती या गैर हुकूमती तंजीम भी ना कर सकी। हुकूमत को पता भी नहीं है कि कोई लाइब्रेरी और कोई वो, इस बारे में हुकूमत मुझे नहीं जानती। स्वात की तारीख परवेज शाहीन को हमेशा सुनहरे अल्फाज में याद करेगी।